मेरी तरफ से लोज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक करेबियन जजीरा नमा मुल्क अरूबा की, जो नीदरलैंड की बादशाह के मतहत एक मुल्क है बहरा करेबियन। जजीरा नमा वेनेजुएला से तकरीबन 29 किलोमीटर शमाल में, पैरागुए के 80 किलोमीटर शमाल मगरब में। यह शमाल मगरब से इसके जनूब मशरकी सिरे तक 32 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर के वसी तरीन मकाम पर है। बोनेर और क्यूराओ के साथ मिलकर अरूबा एक ग्रुप बनाता है जिसे ABC जज़ायर कहा जाता है। इजमाई तौर पर यह और करेबियन में दीगर तीन दर्ज जजीरे डच करेबियन कहलाते हैं, जिनमें से अरूबा की आबादी का एक तिहाई हिस्सा। इस मुल्क का सरकारी नाम कंट्री ऑफ अरूबा है। नाजरीन, वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले नाजरीन को मेरे चैनल लूज टीवी ट्रैवल पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल लूज टीवी ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि तमाम मालूमती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बरवक़्त मिलते रहें। अरूबा इन चार ममालक में से एक है जो नीदरलैंड की बादशाहत के मतहत है। नीदरलैंड की उराव और सेंट मार्टिन के साथ इन ममालक के शहरियों को डच शहरी ही तस्लीम किया जाता है। अरूबा के कदीम बशिंदे अरावाक कबीले से तल्लुक रखने वाले इंडियन थे, जिन्होंने वहां से कनाडा के हमलों से बचने के लिए वेनेजुएला से हिजरत की। कदीम तरीन इंडियन बस्तियों के आसार तकरीबन 1000 किबल मसीह के हैं। अरूबा के दीगर दूसरे करेबियन जजीरों से ज्यादातर दूर दराज मकाम और समुद्र में तेज धारों की वजह से दूसरे जजीरों का सफर मुश्किल बना देता है। इंडियन करेबियन के मुकाबले में जनूबी अमेरिका से ज्यादा बंदे रहे हैं। अरूबा ABC जजार और लियोरड इंटेलस का मगरबी जजीरा है। ये वेनेजुएला के साहिल से 25 किलोमीटर शिमाल में और क्यूराओ से 68 किलोमीटर शिमाल मगरब में वाक़ है। जजीरे का कुल रकबा 193 किलोमीटर और साहली हद 68.5 किलोमीटर है। 188 मीटर बुलंदी के साथ माउंटन जमोटा यहाँ का सबसे ऊंचा मकाम है। अरूबा मुल्क की आबादी 68% अरूबन, जबकि 9.1% कोलंबियन, 4.3% डच, 4.1% डोमिनिकन, 3.2% वेनेजुएला, 2.2% क्यूराओ, 1.5% हेटी, 1.2% सूरीनाम, 1.1% पीरू और 1.1% चाइनीज लोगों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 6.2% दीगर मुख्तलिफ नस्लों के लोग बसते हैं। रियासत अरूबा की सरकारी जबान पम्पिमेंटो है और डच है, लेकिन ज्यादातर अरूबन कम अज कम चार जुबानी बोलते हैं, बेशमूल अंग्रेजी और हस्पानवी। स्कूलों में तलबा को अंग्रेजी, हस्पानवी और कुछ हद तक फ्रांसीसी जुबानें सीखने की जरूरत होती है। हुकूमत अरूबा के मुताबिक मादरी जुबान और तकरीबन तमाम अरूबन की बुनियादी जुबान पापीमेंटो है। रोमन कैथोलिक मजहब यहाँ पर एक गालिब मजहब है, जिस पर तकरीबन 75% आबादी अमल करती है। मुख्तलिफ प्रोटेस्टेंट फिरके भी जजीरों पर मौजूद हैं। नीदरलैंड की उराव और सेंट मार्टिन के साथ अरूबा अंदरूनी खुद मुख्तियारी के साथ नीदरलैंड की बादशाहत के जेर इंतजाम एक मुल्क है। 1 जनवरी 1986 को अरूबा का मुल्क का दर्जा दिया गया था। 1 जनवरी को रियासती छुट्टी होती है। इस दिन को अरूबा की आवाम यौम आज़ादी के तौर पर मनाती है। हज अमूर और दफा जैसे मामलात नीदरलैंड संभालते हैं। अरूबा की सियासत 21 रुकनी पार्लियामेंट और 8 रुकनी काबीना के फ्रेमवर्क के अंदर काम करती है। पार्लियामेंट के 21 मेंबरान बराह रास्त मकबूल वोट से 4 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं। अरूबा के गवर्नर को पाचा की तरफ से 6 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर किया जाता है। वजीर आजम और नायब वजीर आजम को पार्लियामेंट 4 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करती है। अरूबा का मौजूदा बादशाह विलियम अलेक्जेंडर है, जो नीदरलैंड का बादशाह है। अल्फांसो बोहोदत अरूबा का मौजूदा गवर्नर है। अरूबा का मौजूदा वजीर आजम ओलियन व्यू क्रोस है। अरूबा यूरोपीय यूनियन के बरौनी मुल्क इलाकों में से एक है। यूरोपीय यूनियन और रियासत मुतहदा अमेरिका के साथ माशी और सकाफती तल्लुकात रखता है। अरूबा का दफा हालैंड की बादशाह की जिम्मेदारी है। हालैंड की अफवाज जो अरूबा की हिफाजत करती है, इनमें रॉयल नीदरलैंड नेवी, नीदरलैंड मैरीन, नीदरलैंड कोस्ट गार्ड शामिल है। यह एक छोटी सी देसी अरूबन मलशिया भी है। एक मुश्तरक डच करेबियन कोस्ट गार्ड है, जो 3 डोमेन स्टेन पेट्रोलिंग कश्तियों पर मुश्तमिल है। तमाम अफवाज मेरीन बैक्स समेता में तैनात हैं। अरूबा की मुआशियत एक आजाद मुआशियत है। इस वक्त सियाहत मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा फराहम करती है। गुज़श्त 80 सालों में सियाहत ने तेजी से तरक्की की। अरूबा में तमीरात जैसी मुख्तलिफ सनतें भी फल फूल चुकी हैं। दीगर बुनियादी सनतों में ऑयल रिफाइनिंग स्टोरेज के साथ साथ ऑफशोर बैंकिंग भी शामिल है। इसके अलावा बागबानी, परमाकल्चर और ज़राअत, आलू की काश्त, मवेशी और माहिगीरी अरूबा की मुआशियत में अहम करदार अदा करती है। इसके अलावा मशीनरी, बिजली का सामान और ट्रांसपोर्ट का सामान भी बरामद करता है।
اروبا کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً ایک چوتھائی سیاحت اور متعلقہ سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. زیادہ تر سیاح شمالی امریکہ سے آتے ہیں جن کا مارکیٹ شیئر 73.3% ہے. اس کے بعد لاطینی امریکہ 15.2% اور یورپی باشندے 8.3% ہر سال اس خوبصورت جزیرے کو دیکھنے آتے ہیں. اروبا میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ ہے. الٹر ویسٹا چیپل ایری کوک نیشنل پارک, بشری بان اینڈ لاباشی کیلیفورنیا لائٹ ہاؤس, فرانسیسی پاس, ہوئی برگ, ماؤنٹن جمانڈوٹا, نیچرل پول اور سین نکولس یہاں کے مشہور اور دیکھنے لائق مقامات ہیں. یہاں کے مشہور ساحلوں میں ارشی بیچ, بیبی بیچ, اروبا کی غاریں, ایگل بیچ, پام جزیرہ, راجر بیچ جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اروبا کھینچ لاتے ہیں. کوئن پیٹرکس انٹرنیشنل ایئرپورٹ اروبا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے جو اورنج اسٹاپ کے قریب واقع ہے. اور بس یہاں کی سرکاری بس کمپنی ہے. اس کی بسیں صبح 3:30 بجے سے رات 12:30 بجے تک سال میں 365 دن چلتی ہیں. اس کے علاوہ پرائیویٹ منی بسیں پبلک سروس فراہم کرتی ہیں جیسے ہوٹل ایریا سان نکولاس, سانتا کروز اور نورڈ وغیرہ میں. اس ملک پر ڈومین نیم .aw اور پالنگ کوڈ +270 میں ہے. یہاں ٹریفک سمت بین سمت ہے. اروبین فلورین اس ملک کی کرنسی ہے. ایک فلورین پاکستانی 91 روپے اور رومین 41 روپے کے برابر ہوتا ہے. اروبا ایک متنوع ثقافت کا حامل ملک ہے. 2005 میں جزیرے پر بن مختلف قوم کی نشاندہی کی گئی تھی. اروبا کا تعلیمی نظام ڈچ نظام تعلیم کے بعد وضع کیا گیا ہے. اروبا کی حکومت عوامی قومی تعلیمی نظام کی مالی امداد کرتی ہے. پیارے ناظرین یہ تھی اروبا آئی لینڈ کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں, کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. میرا نام ہے سمیر بدر. زندگی میں وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ. پیپر کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ مہربان.